उसके बाद सिक्स में लिखा हुआ है ऑन रियल नंबर डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन बाय। रियल नंबर में उन्होंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया है कि ए और वो ये ऑपरेटर का सिंबल होता है, मैंने आपको बताया था वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सही है। शो दैट जो ऑपरेटर है इज कमोटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, प्रूव करना है कि कमोटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, देख लेते कोई मसला नहीं। सबसे पहले जो अब देखो उन्होंने ऑपरेशन अपनी तरफ से डिफाइन किया है, ठीक है, तो ऑपरेशन क्या डिफाइन किया ए, और मैं अपनी आसानी के लिए ना यार ये स्टेरिक यूज कर रहा हूं, आप ये भी एग्जाम में यूज कर सकते हो अगर एग्जाम में, चलो इसी में यूज कर लेते हैं, एग्जाम में जो भी उन्होंने सिंबल लिखा हुआ वही यूज करना बेहतर है, ये तो हम इसी को कंसिडर कर लेते हैं। ये भी ऑपरेटर को शो कर रहा होता है, रैंडम ऑपरेटर है जो उन्होंने डिफाइन किया किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहां पे प्रूफ करने का तरीका ये होगा इसका कि आप जनरलाइज बात भी कर सकते हो और अगर कोई एग्जाम्पल देना चाह रहे हो उस तरह भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप कमोटेटिव प्रूफ कर लो, कमोटेटिव की अगर बात करो तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑर्डर मैटर ना करता हो, ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो ए ऑपरेटर बी ये किसके बराबर है, ए माइनस बी के बराबर है, अच्छा बी ऑपरेटर ए किसके बराबर होगा, देखो ऑब्जर्व करो किसी भी दो नंबर के दरमियान अगर आप ये ऑपरेटर अप्लाई करो तो फॉर एग्जाम्पल पहला नंबर ए है तो यहां पे ए पहले आएगा, दूसरा नंबर बी है तो यहां पे बी बाद में आएगा, दरमियान में नेगेटिव होगा और उसका आपने मॉड लिया हुआ होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो अगर मैं बी ऑपरेटर ए कर दूं तो अब क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, अब दूसरा नंबर ए है पहला नंबर बी है वही आपने मॉड लेना। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप क्या कर सकते हो इसको, आप अगर अंदर माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और बचपन से आप पढ़ते आ रहे कि मॉड के अंदर नेगेटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहां पर ऑब्जर्व करोगे इंप्लाइज दैट कि देखो बी ऑपरेटर ए भी ए माइनस बी के बराबर है और ए ऑपरेटर बी भी ए माइनस बी के बराबर है, तो आप बात लिख सकते हो कि ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी प्रूव हो गई है। अगर आप एग्जाम्पल देके बात करना चाह रहे हो तो एग्जाम्पल भी दे दो, कोई इशू नहीं है और अच्छा लगेगा सॉल्यूशन। कि फॉर एग्जाम्पल दो रियल नंबर पिक करना है ना, आपने रियल नंबर टू उठाया और कोई नेगेटिव उठा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने माइनस थ्री उठाया, तो अगर आप टू और माइनस थ्री के दरमियान ऑपरेट करवाओ तो क्या होगा, सबसे पहले पहला नंबर लिखो माइनस दूसरा नंबर, दूसरा नंबर यहां पर माइनस थ्री है तो सॉल्व करो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री, और आपको पता है 2 प्लस थ्री क्या होता है 5 के बराबर होता है और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5 ही होगी, तो 2 ऑपरेटर माइनस थ्री का आंसर 5 आ रहा है। अच्छा अब आप चेक करो माइनस थ्री ऑपरेटर 2 मतलब ऑर्डर आपने चेंज कर दिया, अब क्या होगा देख लेते हैं। अब 2 की जगह पे आप लिखो सबसे पहले माइनस थ्री फिर माइनस और दूसरा नंबर क्या है यहां पर 2 तो ये हो जाएगा माइनस 5 और आपको पता है माइनस 5 किसके बराबर होता है, वो भी 5 होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखे भी आपने प्रूफ कर दिया यहां पे कि 2 ऑपरेटर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 ऑपरेटर 2, एग्जाम्पल देखे भी आपने प्रूफ किया है कि जो ऑपरेटर उन्होंने डिफाइन किया है ये यहां पे कमोटेटिव ऑपरेटर है। उसके बाद अगर आप पार्ट नंबर 2 देखो ना, तो पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि मतलब पहले आपको प्रूफ करना था कि कमोटेटिव है और साथ आपको प्रूफ करना था कि एसोसिएटिव नहीं है। अब देखो इस रूल को याद रखो कि जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करनी है ना कि कमुटेटिव है फॉर एग्जांपल, तो आपको जनरलाइज लिखना जरूरी है, क्यों, आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि मैंने बताया था कि अगर किसी चीज के बारे में आप बोलते हो ना कि ये स्टेटमेंट ठीक है तो आपको ओवरऑल प्रूफ करना पड़ता है कि हर वैल्यू पे स्टेटमेंट ठीक है। अगर आप इस सेंस में बात करो तो अगर आप बोल रहे हो कि कमुटेटिव है तो आपको हर वैल्यू पे, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो आपकी सेट है वो रियल नंबर है, ठीक है, तो आपको हर रियल नंबर पे प्रूफ करना है कि यार ये कमोटेटिव है, और वो किस तरीके से प्रूफ करोगे आप, वो आप जनरलाइज प्रूफ करोगे तभी होगा। स्पेसिफिक एग्जांपल दोगे तो उस एग्जांपल पे तो बात ठीक है दे सकते हो आप, लेकिन जनरलाइज प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जब आपको चीज प्रूफ करनी होगी एसोसिएटिव नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रूफ करना होता है एसोसिएटिव है तो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जनरलाइज प्रूफ लगाते और एंड पे कोई एग्जाम्पल दे देते, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एसोसिएटिव नहीं है तो अब आपको जस्ट एक केस बताना है ऐसा कि जिसमें एसोसिएटिव ना हो, दैट्स इट। आप अगर एक केस भी ऐसा डिस्कस कर लो जिसमें वो एसोसिएटिव ना हो तो आपका जो मकसद है वो अचीव हो गया, क्योंकि किसी चीज किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोलने का मतलब आपको हर वैल्यू पे बताना पड़ेगा ट्रू है,
और किसी स्टेटमेंट को अगर आपने फॉल्स बताना है तो उसका मतलब है किसी एक वैल्यू पे भी फॉल्स बता दो ना आप, दैट्स इट, आपका मकसद अचीव हो जाएगा, क्योंकि एक भी अगर मसला करेगी तो वो स्टेटमेंट फॉल्स कंसिडर होगी। तो अगर आपने दूसरे पार्ट में एसोसिएटिव प्रूफ करना है तो एसोसिएटिव पे आ जाओ। तो एसोसिएटिव में क्या होगा, ऑपरेशन आपके पास लिखा हुआ है, मैं मेंशन कर देता हूं, पर ऑपरेशन क्या है, ए बी ए माइनस बी लिखा है। अब पहले आप मेंशन करते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए बी सी। एक काम करो, पहले ब्रैकेट इसी पे लगाता हूं, इसी से लगाते हुए आ रहे हैं कि पहले आप ब्रैकेट शुद्ध दो में लगा दो, ठीक है, और फिर जो बाकी दो हैं उसमें आप ब्रैकेट लगा दो, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो कोई एक एग्जांपल भी आप यहां पे लिख दो, और अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें नहीं लग रही होगी तो आप जल्द स्टेटमेंट दे दोगे कि एसोसिएटिव नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे डिस्कस करो कोई भी, क्योंकि आपको पता है यहां पे ए बी सी सब बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, ठीक है, ये इसको मेंशन कर देना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, मेंशन हुई है। तो आप कंसीडर करो, फॉर एग्जाम्पल आपने टू पकड़ा, थ्री पकड़ा, फोर पकड़ा, सिंपल केस डिस्कस करते हैं। तो आप पहले इन दोनों के दरमियान अप्लाई करो, फिर इसको करना, ठीक है, और साथ साथ ही कर लेते हैं, अलग अलग भी कर सकते हो, साथ भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। और आप इसको इस तरह करो, टू ऑपरेटर थ्री ऑपरेटर फोर, अगर ये एसोसिएटिव है तो ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, अगर एसोसिएटिव नहीं है तो आपस में इक्वल नहीं होगा। या आप अलग अलग कर लो, यहां ज्यादा बेहतर रह जाएगा, अलग अलग में ज्यादा मजा आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले इन दोनों पे ऑपरेटर अप्लाई करो, ऑपरेटर क्या कहते हैं कि यार ए और बी के दरमियान आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। तो टू और थ्री के दरमियान क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू माइनस थ्री, जो पहले चीज है वो पहले लिखो, जो बाद में वो बाद में लिखो, और फिर इसका आपने ऑपरेटर लेना है, मतलब इसको आपने ऑपरेट करवाना है किससे, फोर से। अच्छा टू माइनस थ्री क्या होता है, माइनस वन, ठीक है, माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू वन। तो अब सिंपल आपको वन और फोर पर ऑपरेटर अप्लाई करना है, तो इसके बराबर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वन माइनस फोर, आपको पता है बराबर होगा माइनस थ्री के, जो कि होता है थ्री के बराबर, तो ये चीज तो थ्री हो गई। अच्छा फिर आप प्रूफ करो टू थ्री ऑपरेटर फोर, तो टू को साइड पे रहने दो, थ्री और फोर पे ऑपरेटर अप्लाई करो, ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर, आपको पता है थ्री माइनस फोर क्या होता है, माइनस वन, और माइनस वन की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वन। अब टू और वन पे अप्लाई करो, ये हो जाएगा टू माइनस वन, ये होता है वन, वन की एब्सोल्यूट वैल्यू भी वन होती है। तो आप ये बाखूबी बात ऑब्जर्व कर सकते हो यहां से कि टू ऑपरेटर थ्री और इसको ऑपरेट करवाओ फोर से इज नॉट इक्वल टू टू ऑपरेटर थ्री ऑपरेटर फोर। तो ये सामने नजर आ गया, ये आपने स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद बोल दो कि स्टेरिक therefore steric is not associative, ये associative नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, आपने पहले associative property mention की, इसमें a b c कुछ भी हो सकता है, अगर ये statement ठीक है तो आपने example दी, आप कहते हो चलो example मैं देखता हूं, आपने जब example solve किया आपके पास answer ठीक ही नहीं आ रहा। अब एक example ये मतलब टू थ्री फोर तीन number pick किए थे आपने इस number में, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब तीन नंबर है ना, बेशक बाकी शायद करते हो किसी सिचुएशन में ऐसे हो, फॉर एग्जांपल अगर तीनों नंबर आप जीरो जीरो ले लो तो फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि किसी चीज के ना प्रूव होने के लिए एक मतलब प्रूफ भी काफी है, वो आपने एक प्रूफ दे दिया कि एसोसिएटिव नहीं है, दैट्स इट। अब आप ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि ये जो ऑपरेटर है एसोसिएटिव नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्वेश्चन नंबर सेवन में भी यही काम करना है आपको, लिखा गया कि प्रूफ करो एक बाइनरी ऑपरेटर उन्होंने दिया मैं ए और ऑपरेटर बी, ये बराबर है मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। आपको अगेन प्रूफ करना है कि एसोसिएटिव है और कम्यूटेटिव है, मतलब ये दोनों चीजें प्रूफ करनी है कि एसोसिएटिव भी है यहां पे और कम्यूटेटिव भी है। अब एग्जाम्पल देखिए प्रूफ कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल को स्पेसिफिक होती है ना, तो आप जनरलाइज बात लिखो तो जनरलाइज हर चीज को कवर कर लेता है। तो पहले हम जनरलाइज बात करते हैं, फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल भी दे देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव में आप क्या डिस्कस करोगे, सबसे पहले ए ऑपरेटर बी ये किसके बराबर होगा, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, और बी ऑपरेटर ए किसके बराबर होगा, मैक्सिमम ऑफ बी कॉमा ए। अच्छा ये जो फंक्शन है ना मैक्सिमम,
तो डिफाइन किया, उसका मतलब होता है ए और बी में जो मैक्सिमम है रिटर्न में वो आंसर दे देगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमम ऑफ 2, 1 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, तो 2 और 1 में जो मैक्सिमम है वो इसका आंसर होगा। ये बेसिकली ऑपरेटर है। तो अब अगर आप इसमें देखो, अब आप किसी तरह प्रूफ कर दो कि दोनों चीजें आपस में इक्वल है, मतलब मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी और मैक्सिमम ऑफ बी कॉमा ए, ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है। वैसे सेंस भी बना रही है यार कि एक ही बात है, लेकिन प्रूफ अगर आप थोड़ा कर दो तो आसानी हो जाएगी। और प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका है कि भाई अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा, सॉरी अगर ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल का केस आप डिस्कस ना करो यहां पे, अगर आप इक्वल का भी करना चाह रहे हो तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं कि अगर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है तो आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप इस तरह लिख सकते हो कि ए ऑपरेटर बी का आंसर क्या होगा, ए के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए ऑपरेटर बी क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी। अगर ए जो है वो बी से ग्रेटर है तो आपको पता है ए आंसर में आएगा, मतलब अगर ए बड़ा है बी से तो मैक्सिमम का मतलब बड़ी चीज आनी चाहिए, तो आंसर में क्या आएगा, ए आएगा। और इसी तरह एक स्पेसिफिक केस में अगर ए बराबर भी होगा बी के तब भी आंसर में ए आप बोल सकते हो ना, आंसर में बी भी आप बोल सकते हो उस केस में, लेकिन ए भी तो बोल सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ जाए मैक्सिमम ऑफ 5, 5 तो इसका आंसर 5 होगा, तो 5 इस मतलब 5 आप पहली वाली चीज को भी बोल सकते हो, 5 आप दूसरी वाली चीज को भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पे भी हम बात कर रहे हैं ए के रिस्पेक्ट से। ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इस पूरी स्टेटमेंट की अगर आप देखो तो आंसर ए आएगा, ठीक है। हाँ, इक्वालिटी वाले केस में आप बी भी बोल सकते हो, लेकिन अच्छा वर्ड क्या है कि आप ए बोलो, क्योंकि ओवरऑल आप ए की बात कर रहे हो इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर। तो ए ऑपरेटर बी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इसी तरह बी ऑपरेटर ए जो है वो भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्योंकि बी ऑपरेटर ए क्या है, मैक्सिमम ऑफ बी ए। अगेन अगर ए बड़ी क्वांटिटी है यहां पे तो आंसर में तो ए आएगा, क्योंकि ए बड़ा है यहां पे, तो ए ऑपरेटर बी हो गया या बी ऑपरेटर ए, दोनों के आंसर में ए आएगा। जबकि आप इसके अलावा डिस्कस करो, इसके अलावा क्या है, मतलब ए अगर लेस हो बी से, इक्वालिटी आपने डिस्कस कर ली थी, अब लेस वाला केस डिस्कस करते हैं, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल वाला डिस्कस कर लिया आपने, अब लेस वाला केस डिस्कस करते हैं कि अगर ए बी से लेस होगा तो ए ऑपरेटर बी किसके बराबर होगा, बी के बराबर, क्योंकि छोटी क्वांटिटी ए है, बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, बी, तो आंसर में बड़ी क्वांटिटी आएगी। इसी तरह बी ऑपरेटर ए किसके बराबर होगा, वो भी बी के बराबर होगा। अगेन बी ऑपरेटर ए क्या है, मैक्सिमम ऑफ बी ए, तो बड़ा बी है तो आंसर में क्या आएगा, बी आएगा। तो अब ये चीज लिखने से ना आपने सारे केस यहां पर डिस्कस कर लिए हैं, आपने कोई भी दो रियल नंबर पिक किए हैं उनके दरमियान तीन ही किस्म के रिलेशन होते हैं, या तो वो ग्रेटर है, मतलब पहला वाला नंबर दूसरे से ग्रेटर है, या पहला वाला नंबर दूसरे से लेस है, या पहला वाला नंबर दूसरे के बराबर है, और इस सब केस आपने यहां पे डिस्कस कर लिए हैं। और इस सब केस में आपने दिखाया है कि ए ऑपरेटर बी, बी ऑपरेटर ए दोनों बराबर है, यहां पर भी आपने बात प्रूफ करके दिखा दी। तो एंड में आप लिख लोगे कि ए ऑपरेटर बी इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए। आप इस इक्वालिटी वाले केस को यहां पर भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी वाले केस में आप चाहे ए लिखो या बी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो अगर आप इक्वालिटी यहां पे डिस्कस करोगे तो अगेन यहां पे बी भी लिख देना। असल बात यहां पे क्या मैटर करती है कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब ए ऑपरेटर बी, बी ऑपरेटर ये बराबर होना चाहिए। इक्वालिटी वाले केस को अगर आप इस तरह लिखो कि ए ऑपरेटर बी ए के बराबर है, इस तरह भी लिख सकते हो, और इक्वालिटी वाले केस को इस तरह भी लिख सकते हो कि बी के बराबर है कोई, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है ना, कुछ भी आप बोल सकते हो, ए और बी यहां पे बराबर है, तो आप चाहे ए लिखो या बी लिखो, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पे आपको कम्यूटेटिव चेक करना है। तो अगर इस वाले केस में ए लिखना चाह रहे हो तो दोनों में ए लिखोगे ना आप फिर, और अगर आप बी लिखना चाह रहे हो तो दोनों में बी लिखोगे। तो असल चीज क्या है, दोनों बराबर होंगे, ये असल मैटर कर रहे हैं। तो इक्वालिटी वाला केस यहां पर लिखो या यहां पर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, आंसर आपका सेम ही रहेगा। तो यहां से प्रूव हो जाएगा कम्यूटेटिव है, चाहो तो आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो अगर आपका शौक है। असल चीज ये है जो आपने मेंशन कर दिए, एग्जाम्पल देना चाह रहे हो तो कोई भी दो नंबर पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑपरेटर 4 पिक कर लो, तो ये बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ 3, 4, और आपको पता है 3, 4 है, मैक्सिमम क्या है 4 है। इसी तरह ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज करो, ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ 4, 3 जो कि आपको पता है अगेन मैक्सिमम क्या है यहां पे 4 है। तो आप इस तरह प्रूफ कर दोगे कि 3 ऑपरेटर 4 इज इक्वल टू 4 ऑपरेटर 3, तो आप एग्जाम्पल देखे भी प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये चीज मेंशन कर देना जरूरी है। लास्ट सवाल में भी जो जनरलाइज बात है वो मेंशन कर देना, क्योंकि ये ओवरऑल सबको कवर कर लेती है, एग्जाम्पल तो कोई स्पेसिफिक होती है ना। अच्छा अब आप आ जाओ एसोसिएटिव के ऊपर, एसोसिएटिव आप किस तरह प्रूफ करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 3 पिक कर लिए, ए बी सी रियल नंबर से आपने उठाए,
तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी। तो पहले आप इनके दरमियान करो भाई, ए ऑपरेटर बी यहां पे क्या है, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी। अब मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी को ऑपरेट करवाओ अगर सी से, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। ए की बात है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली चीज, और फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, मैं एग्जाम्पल भी देंगे यहां पे। फॉर एग्जाम्पल आपने कंसिडर किया 2, 3, 4, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करो, ये बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ 2, 3, क्योंकि इनके दरमियान पहले आप अप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से ऑपरेट करवाओगे। तो भाई इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको इस तरह भी वैसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, मैक्सिमम ऑफ 2, 3, 4 इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, या अगर हिस्से में तोड़ना चाह रहे हो आप तो भी सॉल्व कर सकते हो। क्या आपको पता है 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 2 और 3 में मैक्सिमम 3 है, तो आप लिखोगे 3 ऑपरेटर 4, और 3 ऑपरेटर 4 क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ 3, 4, अगेन आंसर 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी 4 था। अगर आप 3 एलिमेंट कंसिडर करो तब भी आंसर 4 होगा उसका, या अगर आप इस तरह करके करो तब भी आंसर 4 होगा। तो दोनों तरीके से आप बात कर सकते हो। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे जनरलाइज स्टेटमेंट लिख दी कि ए बी और सी में जो भी मैक्सिमम है उसको इस तरह भी लिख सकते हो आप। अब जरा ऑर्डर चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए को रहने दो, अब पहले आप सॉल्व करो बी और सी को, तो ये किसके बराबर होगा, ए ऑपरेटर मैक्सिमम ऑफ बी कॉमा सी, और अगेन ये किसके बराबर होगा, मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो आपने ऑब्जर्व किया ये एसोसिएटिव बी है, यहां पे नीचे मेंशन कर दो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी ये बराबर है ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर सी, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा एसोसिएटिव। और ये स्टेटमेंट हर केस में वैलिड है, क्योंकि जनरली स्टेटमेंट नहीं है, आप कोई भी नंबर पिक करोगे ये स्टेटमेंट जो है ये लाजमी फॉलो हो रही होगी, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करना है यार, और उसके बाद आप बॉर्डर चेंज कर लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट 3 और 4 के दरमियान लगाना, मैक्सिमम 4 आएगा, 2 और 4 का मैक्सिमम हो गया, अगेन मैक्सिमम 4 आएगा, तो आंसर मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे। उसके बाद 8 है, 8 में आपको लिखा हुआ फाइंड एन आइडेंटिटी इन आर, रियल नंबर में आपको एक आइडेंटिटी मालूम करनी है, ठीक है। और सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, पहला पार्ट लिखा हुआ है ए ऑपरेटर बी ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। और आपको इस ऑपरेटर में आइडेंटिटी मालूम करनी है, अभी कोई मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है ना, क्या ए और को दो नंबर को मल्टीप्लाई करते तो आंसर ये आता है, भाई आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, नहीं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते 6 आता है। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है ना जिसमें आप बोलोगे आइडेंटिटी 1 है, या एडिशन नहीं है जिसमें बोलोगे आइडेंटिटी 0 है, एक अलग किस्म का ऑपरेटर है। तो यहां पे आपको आइडेंटिटी निकालनी पड़ेगी। तो पार्ट 1 में आइडेंटिटी किस तरह निकालोगे, बेसिक आइडेंटिटी का रूल क्या होता है, फॉर आइडेंटिटी आपके पास बता होनी चाहिए कि ए को अगर आप ऑपरेट करवाओगे ई से, या ई को ऑपरेट करवाओगे ए से, तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, फॉर ऑल ए ई बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए और ई दोनों रियल नंबर में से बिलोंग होने चाहिए, और उनके दरमियान क्या रिलेशन हो कि ए को ई से ऑपरेट करवाओ या ई को ए से ऑपरेट करवाओ, आंसर में ए आना चाहिए। अब यहां पर हम कंसिडर करते हैं, तो आप कंसिडर करो यहां पर हम निकालते हैं ए, मतलब सिंपल इस इक्वेशन को कंसीडर करो, ये तो जनरलाइज आपने आइडेंटिटी की बात की है ना, तो यहां पे आप कंसीडर करो ए ऑपरेटर ई किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर आना चाहिए। अगर यहां पे ई एक आइडेंटिटी है तो जब उसको ए से ऑपरेट करवाओगे तो आंसर किसके बराबर आना चाहिए, ए के बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसको। तो अगर आप यहां पर ए और ई के दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करो, तो ऑपरेटर क्या कहता है, अगर आप किसी भी 2 नंबर के दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करते हो तो आंसर होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहां पर क्या है ई स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे तो ए ही मौजूद है। अब आप इसको सॉल्व करो, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, चाहो तो मेंशन कर देना यहां पे के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अब आप क्या करो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 के, और ई बराबर हो जाएगा 0 के, इसका मतलब यहां पर एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, वो है 0। तो ये आपने आइडेंटिटी निकालनी थी, आइडेंटिटी आपने निकाल ली। अगर आप प्रूफ करना चाह रहे हो एग्जांपल देके, तो आप एग्जांपल देके प्रूफ कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई भी रियल नंबर उठाओ, यहां पे रियल नंबर उठाओ 2, और 2 को ऑपरेट करवाओ आप 0 से, तो 2 को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि 0 आइडेंटिटी है, तो आंसर में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप प्रूफ करके दिखा दो, ऑपरेटर अप्लाई करो, ऑपरेटर क्या कहता है 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है,
फोर होता है, ठीक है, और फोर क्या होता है, टू के बराबर। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जीरो बाकी का आइडेंटिटी है, क्यों, जब मैं जीरो को किसी नंबर से अप्लाई कर रहा हूं उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर में वही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर आप दूसरे पार्ट पे आओ, दूसरे पार्ट में ये चीज मेंशन है कि आपको क्या निकालनी है, अगेन वही जो पहले पार्ट में आपने की है, मतलब आपको आइडेंटिटी निकालनी है। और दूसरा पार्ट क्या है, ए ऑपरेटर बी, ये है मैक्सिमम ऑफ ए बी, ठीक है। और वही बात के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए और बी यहां पे क्या होंगे, रियल नंबर, आपको यहां पे आइडेंटिटी निकालनी है, जैसे पहले पार्ट में निकाला था वैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करो, आपको पता है फॉर आइडेंटिटी, आपको पता है अगर कोई आइडेंटिटी होती है तो फिर वो इस चीज को फॉलो करती है, किस चीज को, कि अगर आप किसी भी नंबर को आइडेंटिटी से ऑपरेट करवाते हो तो आइडेंटिटी उस नंबर को चेंज नहीं करती, नंबर एज इट इज अपनी जगह पे आ जाता है। ये आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताया है कि आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है, जब भी आप उसे किसी नंबर से ऑपरेट करवाते हो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जगह पे आ जाता है, ठीक है। अब ये ए ऑपरेटर ई, इसके दरमियान कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करो, ये वाला, ये ऑपरेटर क्या है, मैक्सिमम ऑफ दोनों नंबर, जिन दोनों के दरमियान ऑपरेट करवा रहे हो उनका मैक्सिमम। तो पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर ई है। अब यहां से आप मालूम करोगे ई, लेकिन ई यहां से आप मालूम नहीं कर सकते, यहां पे एक मसला है, वो मैंने आपसे डिस्कस करना है। मसला क्या, मसला है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे डिस्कस करते हो कि इफ, ये मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं तो डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा, गाइड्स में ही लिखा होता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए करवा रहा हूं, जो बाद में मैं करवाऊंगा वो काफी है पेपर में लिखने के लिए, बस अभी समझा रहा हूं। कि देखो डिफरेंट केसेस कंसीडर कर सकते हो, पहला केस आपका वो होगा कि जब ए ग्रेटर है ई से, इसमें इक्वालिटी भी आप डाल सकते हो, या दूसरे केस में इक्वालिटी डाल दो। असल इक्वालिटी का इतना मसला नहीं, असल मसला है ग्रेटर देन और लेस देन की बात में कर रहा हूं, कि पहली सिचुएशन क्या है, ए ग्रेटर हो ई से, दूसरी सिचुएशन क्या है, ए लेस हो ई से। ये दो सिचुएशन बन सकती है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कोई भी, आप फॉर एग्जाम्पल माइनस टू, अगर आप रियल नंबर की बात करो और ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन का रखो तो आइडेंटिटी वन होती है, तो अगर माइनस टू को वन से ऑपरेट करवाओगे आंसर माइनस टू आएगा। कहने का मतलब जो नंबर आपने पिक किया और जो आइडेंटिटी है उनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है, आइडेंटिटी बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपने माइनस टू पिक किया था आइडेंटिटी वन थी तो आइडेंटिटी बड़ी है नंबर से, और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आइडेंटिटी छोटी हो, फॉर एग्जाम्पल आपने वन पिक किया और थ्री पिक किया, अब नंबर यहां पर बड़ा है आइडेंटिटी यहां पर छोटी है, तो वही केस हमने डिस्कस किया। अब इस बारे में मसला क्या होगा, इस बारे में मसला होगा कि अगर आप एज्यूम करते हो कि ए ग्रेटर है ई से, इक्वेशन तो मैं बता दूंगा लेकिन अगर इसको लॉजिकल आप लेके चलो तो ये बात समझ ही नहीं आ रही, क्यों, अगर आपने ए बड़ा लेना है ई से तो हमेशा आपका आंसर क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप आइडेंटिटी फिक्स कर लो वन, फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी वन है, अब वन से ग्रेटर कोई भी नंबर होगा इस ए की जगह पे तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी। फॉर एग्जांपल आप यहां पे लो टू, तो आपको पता है टू और वन का मैक्सिमम क्या होता है, टू के बराबर होता है, मतलब यहां पे वन एज अ आइडेंटिटी है कि वन को आप ऑपरेट करवा रहे हो टू से, टू को कोई फर्क नहीं पड़ा टू अपनी जगह पे, इसी तरह टू की जगह आप यहां पे फोर पुट कर दो, अभी आंसर क्या होगा, फोर। तो कहने का मतलब ये कि आइडेंटिटी की वैल्यू अगर आप वन लोगे और जो भी आप साथ उसके नंबर ले रहे हो अगर ग्रेटर ले रहे हो आप, ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये वन जो है एज अ आइडेंटिटी यहां पर ट्रीट हो रहा है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ वन ले सकते हैं आप तो कोई और नंबर भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर टू ले लूंगा तो क्या स्टेटमेंट मेरी चेंज हो रही है, अब टू का भी वही रोल है जो वन का रोल था वो टू का रोल भी है, असल चीज क्या है कि आप ए ग्रेटर ले रहे हो आइडेंटिटी से तो रोल तो वही है। तो कहने का मतलब यहां पे बनेगा आइडेंटिटी फिक्स रहती है, आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, ये जहन में रखना, लेकिन ये ऐसा ऑपरेटर यहां पे बन रहा है कि यहां पे आइडेंटिटी फिक्स मिल ही नहीं रही आपको, ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व में भी आपको बात समझ आ जाएगी, अगर ए ग्रेटर देन ई है तो इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, अगर ए बड़ा है ई छोटा है तो इस पूरी चीज का आंसर ए होगा, और राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू ए, तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कि आइडेंटिटी की वैल्यू नहीं आ रही ना यहां से, और आइडेंटिटी की वैल्यू आपके पास नहीं आ रही, इसका मतलब कि आइडेंटिटी की कोई भी वैल्यू रख लो, आइडेंटिटी की कोई भी वैल्यू रख लो, आप आइडेंटिटी थ्री रख लो, बस चीज क्या करना है ए बढ़ा लेना है आपने, आप आइडेंटिटी टेन रखो ए इलेवन ले लो, अब भी आंसर इलेवन आएगा, आप आइडेंटिटी को ट्वेंटी ले लो ए थर्टी ले लो, अब भी आंसर थर्टी आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये तो आइडेंटिटी को खास वैल्यू आई नहीं थी यहां पे, तो यहां पे आप फंस जाओगे, नहीं है ऐसा नहीं होता, आइडेंटिटी लाजमी एक फिक्स होती है, ठीक है। तो ये वाला केस मैंने बता दिया, काफी अजीब सा केस है। अच्छा, अगर आप इस केस पे आओगे, ये उससे बड़ा अजीब है, ये उससे बड़ा अजीब कैसे है कि अगर आपने ए छोटा लिया ई से, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आइडेंटिटी जो है वो बड़ी हो ए छोटा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है,
फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह करते हैं, तो अब आंसर में क्या आएगा, आंसर में तो वन आ जाएगा, सॉरी आंसर में तो टू आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप इसमें से ए को छोटा ले रहे हो, ए छोटा है और ई बड़ा है, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा, मैक्सिमम का मतलब जो बड़ी चीज है वो आएगी ना, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा, इस पूरी चीज का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि आपने ए छोटा लिया है तो बड़ा क्या है ई, तो आंसर ई हो जाएगा। और ई किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। इस स्टेटमेंट को जरा गौर से देखो, उसकी कुछ सेंस बन रही है, ई बराबर है ए के, नहीं सेंस बन रही, क्यों, क्योंकि आपने अभी कंसिडर किया ए इज लेस देन ई, तो कैसे पॉसिबल है कि जो ई है वो ए के बराबर आ जाए, नहीं, आपने तो नंबर ई से छोटा लिया, ठीक है। तो अगर आप इस बात को मतलब तो लॉजिकल देखो ना, इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो, इसमें ए अगर आप छोटा लोगे, फॉर एग्जाम्पल ए आपने वन लिया है और ई आपका टू है, तो आंसर में जो आ रहा है ना वो ए नहीं है, मतलब आंसर में वो ए नहीं आ रहा, आंसर में वो ई आ रहा है, और यहाँ पे ई जो है वो ए के बराबर नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये स्टेटमेंट आ रही है और ये स्टेटमेंट है ही गलत, क्योंकि आपने सपोज ही ये किया था कि ए जो है वो लेस देन ई है, तो कहने का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हो कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, इस वाले ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेम अगर यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन आ जाए तब भी आपकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि आइडेंटिटी ओवरऑल हर जगह एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये शर्तें नहीं होती आइडेंटिटी में कि अगर एक काम हो गया तो ये मसला होगा, वो होगा, ये मसला होगा। और दूसरी बात, आइडेंटिटी हमेशा एक रहती है, फिक्स रहती है, पूरे सेट के लिए एक ही आइडेंटिटी होती है। अब सवाल है कि सर ये तो आपने लॉजिकल बात बता दी, इसको सॉल्व किस तरह करना है, तो ये जो केस मैंने आपको बताया ना, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो मैंने गाइड्स में देखे, गाइड में यही चीज लिखी हुई थी, लेकिन मुझे इतना मजा नहीं आ रहा है सॉल्व करवाते हुए। अगर आप किसी गाइड को फॉलो करना चाह रहे हो तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हो फॉलो, लेकिन जो मैं करवाना चाह रहा हूँ ना, वो एक चीज भी आपको सिखाना चाह रहा हूँ और ये कि सॉल्यूशन भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा वो, मतलब ये बात आपको जो लॉजिकल है वो हम यहाँ लिख लेंगे। प्योर मैथमेटिक्स में ना एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूफ करने का, प्रूफ के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो प्रूफ होता है जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट प्रूफ या प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन। डायरेक्ट प्रूफ में क्या होता है कि यार आप कोई भी स्टेटमेंट लिखी हो ना इफ एंड देन की, कि अगर ये चीज इस तरह होगी तो ये चीज इस तरह होगी, तो आप क्या करते हो, आप इफ वाले स्टेटमेंट को ट्रू मान के दूसरे वाले स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर देते हो, इसको आप कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ। अच्छा एक होता है इनडायरेक्ट प्रूफ, जो अभी मैं करवाने लगा हूं आपको। अच्छा तीसरा प्रूफ भी होता है, तीसरा प्रूफ होता है जो आप चैप्टर 8 में कर चुके हो, प्रूफ बाय इंडक्शन। क्या आप क्या करते हो, सबसे पहले आप बेस केस कंसिडर करते हो, बेस केस कंसिडर कर लिया, उसके बाद आप खुद एज्यूम कर रहे होते हैं कि स्टेटमेंट बना कि n इक्वल टू k पे, ठीक है, प्रूफ करो n इक्वल टू k प्लस 1 पे भी है, और प्रूफ बाय इंडक्शन सबसे तगड़ा प्रूफ होता है। तो एक प्रूफ आप इंडक्शन से कर लेते हो, एक प्रूफ की टेक्निक होती है डायरेक्ट प्रूफ, वो डिपेंड करते हैं स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है। कहीं आप इंडक्शन को ज्यादातर फेवर इसलिए करते हो क्योंकि वो पूरी डोमेन पे आपको बता देता है, क्योंकि उसमें हर चीज कवर हो जाती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आप डायरेक्ट प्रूफ कर लेते हो। शौक हो तो आप लोग गूगल पे लिख लेना, डायरेक्ट प्रूफ की एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे काफी। और एक तीसरा प्रूफ है जो मैं यहां पे करवाऊंगा, वो है इनडायरेक्ट प्रूफ, जिसको आप बोलते हो प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट आपके पास लिखी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे स्टेटमेंट ये देना चाह रहा हूं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब इस बात को मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैं क्या करूंगा, मैं स्टेटमेंट को ठीक मान लूंगा, मैं बोलूंगा हाँ आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, और इस चीज को ठीक मान के जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ऐसी कंडीशन आएगी जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होगी, जिसकी सेंस ही नहीं बन रही होगी, जो मैथमेटिकल चीज ही गलत होगी। और जैसे जब चीज आ जाएगी मैं कहूंगा हाँ मेरी पुरानी वाली स्टेटमेंट ठीक थी, क्यों, क्योंकि असल स्टेटमेंट थी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को ठीक मान लूं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है और एंड में जाके कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, इसका मतलब पहले वाली बात मेरी ठीक थी, बिल्कुल सही है, इसको आप कहते हो प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो मुझे पता है आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन हम मान लेते हैं कि आइडेंटिटी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और ये पूरी चीज जो है ये किसके बराबर होगी, ए के बराबर, जो आइडेंटिटी का होता है कि अगर आप ए और ई को ऑपरेट करवाओगे तो आंसर क्या होना चाहिए, ए के बराबर, इसको हम ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिसमें स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो उसका मतलब जो मेरी पुरानी वाली स्टेटमेंट थी ठीक थी, क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, ये तरीका होता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन आप कहते हो। तो आप इसको गलत कैसे साबित करोगे, मैंने इसको बोला ये आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, अब मुझे गलत साबित करना है, मैं गलत ऐसे साबित करूंगा इसको कि आपने भी देखा था जब ई बड़ा था तो क्या मसला आ रहा था, इक्वेशन खराब आ रही थी, तो वही हम काम करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो यहां पे ए इक्वल टू ई माइनस वन, ये सिंपल स्टेटमेंट लेट करने का मकसद है कि ए जो है वो ई से कम है, ई माइनस वन मतलब ए जो है वो ई से छोटा है, आप इसको ई माइनस टू कर लो, ई माइनस टेन कर लो, सब में एक ही बात होगी, और आप पुट कर दो ऊपर, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ए की जगह पुट कर दो ई माइनस वन, यहां पर भी ए की जगह पुट कर दो ई माइनस वन, ई माइनस वन और ई में मैक्सिमम क्या होगा,
सेंस बना रही है बात के ई बड़ा है ई माइनस वन छोटा है, तो जो बड़ा है वो मैक्सिमम का आंसर होता है यहां पे ई आर, जबकि यहां पे गया ई माइनस वन। क्या ये बात सेंस बना रही है कि ई बराबर है ई माइनस वन के? नहीं, ये बात सेंस नहीं बना रही। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ई जो है वो ई माइनस वन के बराबर है। तो हुआ क्या, मैंने स्टेटमेंट दी थी कि आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए ठीक मान लिया कि वाकई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, ये मैंने ठीक मान लिया था। हाँ भाई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ए को मैं ए से ऑपरेट करवा रहा हूं, आंसर ए आ रहा है। जब मैंने इस बात को ठीक माना तो मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है, इसका मतलब जो मैंने शुरू में स्टेटमेंट दी थी वो ठीक थी, क्योंकि इसको जब मैं ठीक मानूंगा तो मसला और है, इसका मतलब मुझे गलत मानना है इसको। तो दैट्स व्हाई मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट। तो ये प्रूफ जो है मुझे लॉजिकल लगता है, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा ये मैं करवा देता हूं। बाकी गाइड्स में या बाकी अगर टीचर आपको करवा रहे हैं तो वो अगर आपको समझा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही है, वही कर लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये सवाल नॉर्मली आते हैं नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो आप ही बिल्कुल अच्छा, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख भी सकते हैं, बड़ा तगड़ा वर्ड होगा कि यहां लिखो आप कि प्रूफ बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन, हम भाई कॉन्ट्राडिक्शन से इसको प्रूफ करते हैं। तो यार ऊपर यहां पे नहीं बल्कि यहां पे ऊपर मेंशन कर देना इस जगह पे कि यार हम प्रूफ कर रहे हैं बाय यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन, इसको ठीक मानते हैं और ये सब काम करो और एंड में स्टेटमेंट दे दो आइडेंटिटी डजंट एग्जिस्ट। ये शुरू में भी आप दे सकते हो, ये बताने के बाद ना आप लिख दो कि जो गिवन ऑपरेटर है इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, फिर आप लिख दो भाई प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने बात बोली है, भाई रुको जरा सबर करो हम प्रूफ करते हैं अपनी बात को। ये लिखने के बाद ऊपर लिखना, उसके बाद पूरा प्रूफ करना, बोला हाँ भाई सही तो कह रहा था, तुम लोग यकीन नहीं कर रहे थे मेरी बात पे, ठीक है।